वो अभय नीलम का था और हाय और रहेगा। अब अभय मिश्रा ही आएंगे सिमरिया के विधायक अंगले। बोलो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव की वोटिंग गणना और सारणीकरण के बाद प्रत्याशियों की जीत के प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। विवादों में जिला पंचायत, जनपद और सरपंचों का चुनाव रहा है। जीता कोई तो किसी को जीत का प्रमाण पत्र मिला, तो हारने वाले भी अपने दावे करते रहे। ऐसा ही हालचाल सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 में रहा, जहां काउंटिंग में सुंदरिया कोल अत्यधिक मतों से आगे चल रही थी, जिनके द्वारा जीत का जश्न भी मनाया गया। लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों ने साजिश रचकर कभी भाजपा समर्थित तो कभी कांग्रेस समर्थित को विजयी बताता रहा। अपने अपने पक्ष में मीडिया में खबरें भी छपवाई। सारणीकरण के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। प्रथम नंबर में बताए जा रहे तीसरे नंबर पर खिसक गए और सुंदरिया कॉल 399 वोट अधिक पाकर जीत हासिल कर प्रथम स्थान पर पहुंच गई। दरअसल सुंदरिया कॉल सामान्य वार्ड से जीत हासिल की है। जैसा कि विराट 24 के द्वारा पहले ही बताया गया था कि सुंदरिया कॉल कांग्रेस पार्टी समर्थित थी और पूर्व सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रही थी, जिनके विजय के लिए पूर्व विधायक के फार्म हाउस में स्थित राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में विधिवत अनुष्ठान चल रहा था। सारणीकरण के बाद सुंदरिया कॉल अपने समर्थकों के साथ मंदिर पहुंची और माता के सामने माथा टेका। साथ ही जीत का श्रेय पूर्व विधायक अभय मिश्रा और कांग्रेस पार्टी को देते हुए जनता जनार्दन का धन्यवाद किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की तानाशाही और निर्दोषों को साजिश के तहत फंसाने के लेकर आदिवासियों के शोषण और आदिवासी सम्मेलन के नाम पर छलने का आरोप लगाया। कांग्रेसियों ने विधायक की तानाशाही की पराजय बताते हुए आने वाले समय में सिमरिया विधानसभा से कांग्रेस और कांग्रेस से अभय मिश्रा की जीत के नारे लगाते रहे। आइए आपको दिखाते हैं सुमन वाटिका पहुंची सुंदरिया कॉल ने क्या कहा और किस तरह से जश्न मनाया गया। इतना ही नहीं, सुंदरिया कॉल के साथ साथ समर्थकों ने क्या कहा है वो भी सुनाते हैं। हालांकि उक्त जीत और जश्न के संबंध में पूर्व विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनके करीबियों से जानकारी हुई कि वो विदेश यात्रा पर है, जिससे उनका पक्ष तो नहीं मिल पाया। लेकिन हम आपको ये जरूर बताएंगे कि कांग्रेस ने सामान्य सीट से सुंदरिया कॉल को जिताकर जिला पंचायत की कुर्सी के करीब पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। विधानसभा का नेता कैसा हो? भैया की जनता करे पुकार, भैया की जनता करे पुकार, भैया की जनता करे पुकार, भैया की जनता, भैया जिंदाबाद, सुंदरिया बहन जिंदाबाद, जिंदाबाद सुंदरिया बहन जिंदाबाद, जिंदाबाद सिमरिया का नेता कैसा हो? सिमरिया की जनता करे पुकार, सिमरिया की जनता करे पुकार, सिमरिया की जनता करे पुकार। रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष कैसा हो? सिमरिया अध्यक्ष रीवा जिला का अध्यक्ष कैसा हो? हाँ वही जो मन्नत मांगे थे वो वाला छुड़वा दीजिएगा। जो मन्नत मांगे थे गिराऊ ना, एका गिराओ ना, चुनरी का माता संभाल के रखता। बाद दिन से जाग चला था माते फरी जी। आपको विजय मिली है, राजराजेश्वरी माता जी का दर्शन करने आई हैं। क्या पहला उद्देश्य है जीतने के बाद, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को और किसको श्रेय देंगी ये जीत का? क्षेत्र की जनता और हमारी माता जी। किसको श्रेय जाता है ये जीत का? अभय मिश्रा। क्या करेंगी क्षेत्र की जनता के लिए अब जीतने के बाद? विकास करेंगे। और क्या प्राथमिकताएं हैं, किस तरह की वहाँ के लोगों की जरूरतें हैं? शिक्षा है, रोड है, गली है, पानी है, नाली है, अभी है, सभी चीज तो है। क्या समस्याएं हैं उधर क्षेत्र में? आप गई होंगी क्षेत्र में, लोगों से मिलने गई होंगी, तो क्या बोले लोग?
किस तरह की दिक्कतें लोग वहाँ की बताए क्षेत्र में थी, जिनको आश्वासन दी होंगी आपकी करेंगे आपके लिए? वहाँ पानी नहीं है, रोड नहीं है, गली जैसे कीचड़ होता है, न जहाँ रोड तभी नहीं आता वहाँ कीचड़ भी होता है। पानी जरूरी है जो कि कहत रहे लोग। अभी आप मंदिर आई, यहाँ पंडित जी ने बताया कि 7 दिन से यज्ञ चल रहा था, पूजा पाठ किया जा रहा था, जीत के लिए नारियल रखी गई थी। कितना सहयोग मानती है माता जी का जनता के साथ? बहुत पूरा सहयोग है हम जनता के साथ। आज फार्म हाउस पहुंची है मिश्रा जी के यहाँ, इनका क्या योगदान रहा, कितना श्रेय देना चाहती हैं? पूरा आशीर्वाद रहा उन्हें के, क्योंकि हम समान सीट से जीत के 4 वार्ड से आन है। भैया जी का आशीर्वाद रहा, हमारे माता जी का आशीर्वाद रहा, जनता के आशीर्वाद रहा जो कि हम इतनी दूर तक पहुँचे। और माता जी के आशीर्वाद से, भैया के आशीर्वाद से जो आगे हमका जिला अध्यक्ष के बनाने के आशीर्वाद दे हैं, बराबर हम उनके साथ हैं। और उनखर हम जितना हमसे हो सके सेवा जनता के तकर कांग्रेस पार्टी के हम साथ में हैं। कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा है, कांग्रेस पार्टी के लोगों के सपोर्ट में है और अभय मिश्रा जी के सपोर्ट से आप जीती। जिंदाबाद जी। वह ऐसे कि हम कांग्रेस पार्टी में सस्ता लगते हैं, कांग्रेस पार्टी में हमारे भैया जी हैं, जो हमारे भैया जी जहाँ रहेंगे तो हम रहेंगे। क्या लगता है कि आदिवासियों के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी और ये रहे हैं और उसी का आज ये परिणाम है कि आप सामान्य सीट से जीती? हमेशा कांग्रेस के हैं आदिवासी या रहे हैं, जो कि हमारे बुजुर्ग कांग्रेसी हैं। अब आज ये बीच में भाजपा की सरकार चले लग तो बदलाव हो जाते, अब हम पचे कांग्रेस में रहा हैं। हमेशा रात में थी सीट से अपना की पत्नी जीती हैं, ऐतिहासिक मतों से जीती, आज यहाँ मंदिर पहुँचे हैं, किसको श्रेय देते हैं आप, किस तरह से समाज साथ में रहा? धारवाड़ के जनता कह रहा जी, वो पूर्व विधायक अभय मिश्रा जी का सहयोग रहा, असल समाज के हमारे अच्छी बिल्कुल रहा, और सहयोग से हम चुनाव जीते। सामान्य सीट से आदिवासी का जीतना एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है जिला पंचायत के लिए भी, तो क्या कहेंगे समाज के लोगों, किस तरह से समाज के लोगों का भी सहयोग रहा, सभी समाज के लोगों का, सभी समाजों का रहा? अब आगे किस तरह से विकास के लिए, विकास में आप हाथ सबके साथ बटा कर करेंगे क्षेत्र के लोगों को? सर हर एक समस्या, जैसे को पानी का सबसे बड़ी समस्या, लाइटों के सब समस्या, रोड गली के सारी समस्या है, हम लड़के साहब ये राजराजेश्वरी माता के पास 7 दिन से वो चल रहा था विजय के लिए, तो क्या आज यहाँ आप पहली बार पहुँचे, जीतने के बाद तुरंत यहाँ पहुँचे आशीर्वाद लेने, क्या मानते हैं कि कितनी कृपा थी जनता के साथ? भरपूर उसकी कृपा थी सर, बहुत कामना करते हैं। आज प्रसाद मिला यहाँ से और यहाँ एक शक्ति मिली है आपको। जी जी। विपरीत परिस्थितियों में जीती हैं, निश्चित तौर पर सामान्य वर्ग से आदिवासी महिला का जीतना एक महत्वपूर्ण रखता है, क्षेत्र के लोगों में आक्रोश था सत्ता के पक्ष समर्थन से जीती, अब क्या चुनौतियां होंगी, किस तरह से चुनौतियों का सामना करके ये आज जीती और जिला पंचायत अध्यक्ष तक जाएंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि राजराजेश्वरी माता जी के दरबार में खड़े हम लोग और उनकी कृपा से जिला पंचायत 4 वार्ड से हमारी बहन सुंदरिया मौली आदिवासी जी जिला पंचायत की सदस्य बन के आई है। हमारा 4 नंबर वार्ड एक ऐसा वार्ड है कि पूर्व में भी सुंदरलाल चौधरी को सामान्य पुरुष वार्ड से जिता के दिए थे, इसके पूर्व में प्रमोद कुशवाहा जी जिला पंचायत सदस्य बन के आए थे, अब सामान्य महिला वार्ड से सुंदरिया मूल आदिवासी बहन जीत के आई हैं और हमारे जिला पंचायत 4 नंबर वार्ड के सारे मतदाताओं को सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ और ये कहता हूँ कि आपने एक सदस्य नहीं बना के दिया, आपने एक जिला पंचायत का अध्यक्ष इस पूरे जिला के और एक पूरे जिला के नहीं संभाग नहीं मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज को यह संकेत दिया कि मैंने सामान्य वार्ड से एक महिला को आदिवासी महिला को जिता के दिया है और ये जिला पंचायत रीवा का नेतृत्व करते हुए भी मध्य प्रदेश में अपना नाम सर्वश्रेणी में लेंगी, इसका पूरा श्रेय राजराजेश्वरी माता जी और हमारे सिमरिया पूर्व विधायक अभय मिश्रा जी वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रीवा अभय मिश्रा जी का है। और मैं इन्हीं आशाओं के साथ ये जरूर कहूँगा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी कास्ट का हो, जिला का नेतृत्व करते हुए आप
हर व्यक्ति का सामान्यतः हमारे पहाड़ी बेल्ट में सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। आप पहाड़ी बेल्ट में जाइए देखिए, जो काम 2009 और 2013 में हुआ था, 8 से 9 के 13 के बीच में, आज दिनांक तक वो कार्य नहीं हुआ। और वर्तमान विधायक केवी त्रिपाठी जी ने हमको एक पंचायत ने बता दें कि उन्होंने अपने निधि से 51,000 रुपए की ईंट रखी हो। जिला पंचायत क्या जीती, 4 हार गए, 5 हार गए, 6 हार गए, 7 हार गए। अभी जो आपकी रैली निकली उसमें नारे लगाए जा रहे थे कि अब की बार अभय मिश्रा, क्या संदेश है, क्या संदेश? सिमरिया की जनता की पुकार पहले भी थी, आज भी है। जो अभय मिश्रा ने कार्य सिमरिया में किया है, सिमरिया का विकास जो अभय मिश्रा ने किया है, सिमरिया के पुल देखिए, सिमरिया की रोड देखिए, सिमरिया की ऐसी कौन सी पुल है जिसको अभय मिश्रा ने नहीं बनाया? अभय मिश्रा जी के बाद नीलम मिश्रा जी के कार्यकाल में नहीं हुई, श्रेय कोई भी ले। अभी विजयी होने में भी जुलूस निकाले, कई प्रकार की साजिशें रही, कई लोगों को घोषणा की, किस तरह से अभी और क्या संभावना है, किस तरह से? भाई इनके प्रतिद्वंदी द्वितीय नंबर में जो थे उनका भी जुलूस निकला, तृतीय नंबर में तो उनका भी जुलूस निकला, लेकिन क्या हुआ हासिल? क्या दलितों को दबाने का प्रयास जारी था, अभी भी क्या साजिश थी? आदिवासी समाज कल भी कांग्रेस का था, आज भी है और रहेगा। और सिमरिया विधानसभा का एक एक व्यक्ति, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे साकेत समाज का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, वो अभय नीलम का था और है और रहेगा। इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत, क्या संदेश देना चाहेंगे विधायक को? मैं सिमरिया के विधायक को सबसे पहले ये संदेश देना चाहूंगा कि आपने जिला पंचायत 4, 5, 6, 7 के वार्डो में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार और कांग्रेस पार्टी के चारों जिला पंचायत सदस्य जीते, उसके लिए सधन्यवाद। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि विधायक जी, आप सिमरिया के जिला पंचायत के चारों वार्ड हार रहे हैं, जनपद हार रहे हैं, तो काहे की कुर्सी? कृपया आप सिंहासन खाली करो, सिमरिया की जनता करे पुकार। आप जाओ, नगर पंचायत भी आप हार रहे हो सिमरिया का। झूठे मामले दर्ज कराना, नौकरी से बाहर करवा देना, आपराधिक मामला, उसी का जवाब है क्या ये? बिल्कुल, जनता पेटी में लेके जवाब दे ही ठप्पा लगा के नकारी है। और केपी यदि इतने में नहीं सुधरे तो क्यों, क्या करोगे? नकली बाल लगा के हगीज पहन के भागते हो किस काम के? कहीं अपने आप को किंग जॉन बोलते हो, कहीं कोबरा सांप बोलते हो, तो क्यों ऐसा? केपी जाओ, सिमरिया की जनता तुमको निगलेट कर दी, अब अभय मिश्रा ही आएंगे सिमरिया के विधायक अगले, बोलो भैया। ये जिला पंचायत सदस्य जीतने के बाद एक रैली पहुंची और माता जी के यहाँ दर्शन की, पता चला यहाँ की 7 दिन से अनुष्ठान चल रहा था, किस तरह से जनता ने सहयोग किया, सामान्य वार्ड से जीती और आगे क्या योजना थी आप लोगों की? 4 वार्ड की सभी समाज के लोग, सामान्य हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सब ने इनका सहयोग किया। और मुख्य श्रेय सिमरिया के पूर्व विधायक आदरणीय अभय मिश्रा जी का रहा। और ये आज 4 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए हैं और हम लोग का ये भी वादा है कि हम लोग इनको जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाएंगे। लेके राजराजेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं आप अभय मिश्रा जी के यहाँ, किस तरह से विजय रही और क्या मानते हैं, किसका श्रेय रहा जनता के साथ साथ और आगे अब क्या योजना है आप लोगों की? ये जनता की जीत है और वर्तमान सरकार का विरोध है, वर्तमान जो वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं उनका क्षेत्र के जनता के प्रति काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, ये सब जनता की जीत है। सुंदरिया जी हमारी एक आदिवासी महिला प्रत्याशी थी, हम लोग काफ़ी कठिनाई और परिश्रम करके इनको जीत दिलाए हैं, पर जिस तरह से वर्तमान विधायक वहाँ के अपने पूरे वार्ड हार कर आए हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिमरिया की जनता बिल्कुल अभय मिश्रा पर ललायित है। माननीय जी हमारे सिमरिया विधानसभा से चुनाव नहीं लड़े, इस कारण वहाँ से कोई और जीत गए हैं, पर जनता के दिल में आज भी वो राज करते हैं सिमरिया विधानसभा में। यही वो है कि सुंदरिया जी हमारे भैया एक दिन भी क्षेत्र में गए नहीं है कहीं, तब भी वो इस तरह भैया सुंदरिया जी विजय प्राप्त करी है, जिसमें इसी तरह की राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।